السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. وقال تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. صدق الله العظيم. हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ नबी बुलंद है ज़ा खुदा के बाद दुनिया में जिस कदर अहतराम के काबिल है लोग मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाजिब अहतराम मेरे महतरम बुजुर्गों दोस्तों और अज़ीज़ों और परदा नशीन मेरी माएँ और बहने रब्बे करीम का बेानतहा शुक्रगुजार गुजार हूँ कि अल्लाह अजवजल ने इस अजीम जलसे में हाजिरी की शदत मयसर फरमाई और अपने मेज़बान मुकर्रम जनाब मुफ्ती हक़ साहब नदवी हफ़ी का दिल की अता गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि इस अज़ीम अजीमशान जलसे में शिरकत की इस आजिज़ को दावत मरहमत फरमाई और दिल इतना मसरूर है अल्फाज बेकबू हो रहे हैं कि इस प्रोग्राम की आज़मत और इसकी अहमियत और इसके कमालात और इसके महासिन को यह आजिस किन अल्फाज में बयान करें ये कदीम साल जदीद नाफेह का जो संगम हमारे मौलाना हक़ साहब और इनकी पूरी टीम ने बनाया है ये बहुत ही खुश आयन और काबिल तारीफ़ पहलू है रब करीम इसकी इफादीत को और आगे पहुँचाए इन खिदमत को तरक्यात के बाम तक पहुँचाए बस तारीफ़ और इस प्रोग्राम की कामयाबी के ताल्लुक से और ये जो पूरा स्कूल का निज़ाम और मदरसे का निज़ाम है इसके ताल्लुक़ से एक तारीफ़ी बात या दुआ बात या आजीज़ ये कह सकता है कि हमारे एक मौलाना साहब यहाँ हमें ये बता रहे थे कि तीन किस्म की अंग्रेज़ी है एक तो ऑस्ट्रेलियन एक यूएस एक यूके हम ये कहते हैं आज के इस प्रोग्राम को देखकर कर ये कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान और हमारे भारत देश का फ्यूचर बहुत ज़्यादा मुस्बल रोशन है बड़ा ताबनाक है और इन अनकरीब वहाँ चौथा नाम इंडिया की इंग्लिश का भी आएगा और हमारे इस बैतलूम और मदरसा हस्सा का भी ये नाम इन वहाँ पर रक़म किया जाएगा दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम के इनका करने वाले प्रोग्राम पेश करने वाले सब की खिदमत में हम ढेरों मुबारकबादियाँ पेश करते हैं तकरीबन इस आजिज़ को पंद्रह से बीस मिनट का वक्त दिया गया है उसमें अपनी बात मुकम्मल करनी है दो दोनवान पर आपकी खिदमत में बात करनी है हज़रत मौलाना अब्दुल्ह साहब ने हमें जो टाइटल और, और मौजू दिया था चूंकि यह पर्सनालिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम है तो इसमें स्पीच इस दी जाती है तकरीर की जाती है तकरीर के उसूल और आदाब क्या है उसके लिए तो बड़ा वक्त दरकार है अभी थोड़े वक्त एक आध महीने पहले इस आजिज़ को जामिया इशातूम अक्लकुँ का जो मदरसा है जहाँ हज़ारों की तादाद में बच्चे पढ़ते हैं और तकरीरें करते हैं वहाँ इसीवान पर इस आजिज़ की हाज़िरी हुई थी वहाँ इसीवान पर बात की गई थी तो एक तो हमें येवान आपकी ख़िदमत में पेश करना है और दूसरे इसाम और टीचर्स के लिए क्या उसूल और आदाब होने चाहिए पहली बात हम यह अर्ज करेंगे कि हर उस्ताज और हर टीचर इनमा बुस्तुलमा बस्तुल उतम मकारीमल अखलाक हर उस्ताज चाहे वो जो भी पढ़ा रहा हो हर उस्ताज अपने स्टूडेंट्स और विद्यार्थियों का जहाँ उस्ताज है वहाँ उसको मुरबी भी होना चाहिए उतम्म मकार्मल अखलाक मैं सिर्फ इशारे करूँगा वक्त की तंगी की वजह से बहुत ज्यादा डिटेल में समझाना मुश्किल होगा बस पैगाम यह है हर उस्ताद अपने स्टूडेंट्स का जहां है वहां उसको मुरब्बी भी होना चाहिए तरबियत करने वाला भी होना चाहिए और बहुत खुशी आज के इस जलसे में हजरत मौलाना हक साहब ने एक बात जो फरमाई, फरमाईम साले और जदीद नाफे को मिलाकर जो अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा है इसमें एक ऐतराज़ और एक बात हमेशा यह आती है कि अंग्रेजी से अंग्रेजीत का गलबा हो जाता है तो इस मदरसे में जहां अंग्रेजी अच्छे अंदाज में इंग्लिश स्पीकिंग अच्छे अंदाज में सिखाई जा रही है और उसके साथ साथ इसकी भी मेहनत की जा रही है कि हमारे इन स्टूडेंट्स पर अंग्रेजियत का गलबा ना आ सके दीनियत का गलबा रह सके इसकी कोशिश हो रही है इससे दिल बहुत ज़्यादा मसरूर हुआ बहुत ज़्यादा खुश हुआ ूर फातिहा की जो इब्ताई आयात आपके सामने पढ़ी गई उसकी रोशनी में यह बात अर्ज करना है कि हर उस्ताद जो मुरबी है तखलकूबी अखला अल्लाह की रोशनी में सूर फातिहा की इन आयात को समझें कि अल्लाह अल्लाहल असल मुरबी है अल्हदल्लाबीन असल तरबियत करने वाली ज़ात अल्लाह की है और मुरबी में क्या सिफ़ात होनी चाहिए आगे दो आयत में अल्लाह अल्लाहजल ने बताया और रमान रहीम उसमें रहमत का मादा शफकत का मादा हमदर्दी का मादा होना चाहिए नंबर दो दूसरी सिफत यह होनी चाहिए मालिकीन यानी दारोगीर की सिफत वाई अगर आपने गलत किया स्टूडेंट ने गलत किया तो पूछा जाए कि बेटा आपने ऐसा क्यों किया लीमा के जरिए सवाल करना यह आदतुल्ला और सुन्नतुल्ला है लीमा तो हर अहल्लाक नबी करीम सलात वसलाम से अल्लाह अजल ने यह बात फरमाई तो दारोगीर पकड़ धकड़ स्टूडेंट्स की निगरानी ये बहुत ज्यादा जरूरी है और ऐसा ना हो कि फिर वो निगरानी और सजा और पनिश इतनी हल्की हो कि जो जराइम पर उभारने वाली हो सरसैयद साहब ने अपने कॉलेज में जहर की नमाज के लिए उसूल बनाया था कि हर बच्चे को हर स्टूडेंट्स को मदरसे की और कॉलेज की मस्जिद में आकर जहर की नमाज पढ़नी है जो बच्चा हाजिर नहीं होगा और जोहर की नमाज में गैर हाजिर रहेगा उसको एक रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा तो स्टूडेंट्स क्या करते थे एडवांस में थर्टी वन रुपीज जमा करा देते थे पता ये चला कि अगर सजाएं हल्की होगी तो फिर उसमें उसको पकड़ना बुराई पर रोकथाम आसान नहीं होगा अगली बात इया का नाबू अगर हम मुअल्लिम है टीचर है तो मेरे अंदर कोई बड़ाई नहीं होनी चाहिए ये तो मेरे रब का कर्म है कि दीन और एजुकेशन के लिए अल्लाह अल्लाहल ने मैं, मुझे कबूल किया है और मैं उम्मत के नो नहाल को दीन का पैगाम शरीयत सुन्नत का पैगाम एजुकेशन का पैगाम दे रहा हूं डाउन टू द अर्थ जमीन पर रहना तवाजू सीखना मन तवाद, अल्लाह रफा ये सिफत हमें अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत है व ईया जब अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाएं तो अपनी सलाहियत पर नाज न हो अल्लाह ही से हम मदद चाहते हैं या हमारी कोई सलाहियत नहीं बस ये तो आपका करम है कि आपने इन नौ ने की खिदमत के लिए हमें कबूल फरमाया है रब करीम इल्म देने के लिए एजुकेशन देने के लिए आपकी मदद के हम तलब हैं रब करीम हमारी मदद फरमा दीजिए ये एक अनवान हुआ दूसरा अनवान हमें जो दिया गया था कि तकरीर कैसे की जाए तकरीर और स्पीच दर्द दिल उम्मत के सामने पेश करने का नाम है सिर्फ लफाजी का नाम नहीं है यहाँ जब एक प्रोग्राम पेश किया जा रहा था उसमें एक बात यह कही जा रही थी कि हमें अच्छे की, अच्छे मुक्रीन की तकरीर सुनना है तो क्यों सुनना है उसके रीजंस, उसके असबाब उसके उसकी वजहात बताई जा रही थी यह आजिज अपनी तरफ से उसमें एक और वजह एड करेगा जो इस आजिज का खुद का अमल है हम स्टडी तो कर लेते हैं तैयारी तो कर लेते हैं करके मवाद तो पेश कर देते हैं लेकिन उस मवाद के लिए जो दर्दे दिल चाहिए, वो अहलुल्ला की बात सुनकर आता है या आजीज अपने तैयारी के बाद वाज पेश करने से पहले किसी अल्लाह वाले का वाज और दो रकात नमाज का अहतमाम इस नीयत से कर लेता है कि अल्लाह इस बात में तासीर आप ही डाल सकते हैं अल्फाज तो तासीर से बनते हैं तलफुज से नहीं अल्फाज तो तासीर से बनते हैं तलफ से नहीं दिल आज भी आगे हैं से। और मुकर्रिर में क्या सिफात होनी चाहिए? निगाह बुलंद निगाह बलन सुखन दिल नवाज जा है रखते सफर मीरे कारवा के लिए हर मुकर्र हर स्पीकर में तीन बातें होना जरूरी है नंबर एक पहले एक एग्जाम्पल समझें कि मुक्र की मिसाल डॉक्टर की तरह है डॉक्टर में भी तीन बातों का होना जरूरी है अच्छा डॉक्टर वही है जिसमें तीन बातें पाई जाए अच्छा स्पीकर भी वही है जिसमें तीन बातें पाई जाए नंबर एक हमदर्दी मरीज नंबर दो तशीस मरज नंबर तीन तजवीज दवा यानी जब तक मरीज की पेशेंट की हमदर्दी नहीं होगी तो फिर कत्ल खाने बनेंगे हस्पता नहीं बन पाएंगे मरीज की हमदर्दी ज़रूरी है इसी तरह मुक्र जब स्पीच पेश कर रहा है तकरीर पेश कर रहा है कौम की हमदर्दी ज़रूरी है इनमें क्या बुराई है तजवीज़ मरज आज मुशरे में क्या बुराई है हम ऐसा टॉपिक न लें जिससे लोग खुश हो जाए वाह वाह की जरूरत नहीं है आज आह आह की जरूरत है उम्मत किस कदर पस्ती का शिकार है उम्मत की पस्ती के अस्बाब उम्मत को बताने की जरूरत है आज मरज रूहानी मरज क्या है उसको बताने की जरूरत है और तजवीज़ दवा इस मरज की इस रूहानी बीमारी का इलाज क्या होगा यह उम्मत और इंसानियत को बताने की जरूरत है मैं दो एग्जाम्पल पेश करके अपनी बात को मुकम्मल करूंगा पहला ये है टॉपिक कैसे लिया जाए करंट टॉपिक कैसे लिया जाए दो एग्जाम्पल पेश करूंगा नंबर एक हमारे यहाँ शादियों में जो फजूल खर्चियाँ होती है और शादियों में पैसे की जो बर्बादियां होती है मैं आपको एक दर्द भरा वाकया सुनाऊँ एक आलिम साहब को एक लड़की खत लिखती है मौलाना जी आप मुझे बताइए क्या इन हालात में इस्लाम मुझे सुसाइड की इजाजत देता है मेरी हालत यह है कि हम तीन बहनें हैं और तीनों शादी की उम्र पहुंच पर पहुंच चुकी है अब्बाजान माली और फाइनेंशियली एतबार से इतने कैपेबल नहीं हैं हमारे अब्बा जान रोजाना सुबह में तहजुद में उठकर दुआ करते हैं मैंने हमारे पेरेंट्स को अम्मी अब्बा को आठ महीने से हंसते हुए नहीं देखा है हमारे अब्बा जब तहज उठकर दुआ करते हैं और दुआ में जब वो एक जुमला बोलते हैं तो दिल ये चाहता है जमीन फट जाए और हम तीनों बहनें उसके अंदर दफन हो जाए ऐसी तबीयत चाहती है वो दुआ का जुमला वो लड़की लिखती है अब्बाजान तहजुद की दुआ में ये कहते हैं या अल्लाह ये मेरी तीन फूल सी बच्चियां हैं जो मुझ पर अजाब बनी हुई है रब करीम इस अजाब से मुझे कब निजात मिलेगी इल इन अल्फाज को दर्द दिल के साथ सुनिए और उम्मत को पैगाम दीजिए आज हमारा माल कहां खर्च हो रहा है हमारी स्कूलें बहुत सारी जगह पर कमजोर क्यों पड़ रही है माल उम्मत जब तक सही जगह नहीं लगाएगी हमारा माल हमारी जान हमारी सलाहियत हमारा वक्त जब तक सही जगह नहीं लगेगा उम्मत ए मुस्लिमा इसी हालात का शिकार रहेगी जो आज चल रही है ज़रूरत इस बात की है कि यही शादी की फजूल खर्चियाँ हम अच्छी स्कूल्स में लगाएं अच्छे मदरसों में लगाएं और मदरसे और मस्जिद में पढ़ने पढ़ाने वाले उलमा की सैलरी बढ़ाने में लगाएं ना कि फजूल ख़र्चियों में लगाएं आज माल और सलाहियत और वक्त इधर लगाने की जरूरत है न कि शादियों में लगाने की जरूरत है दूसरा और आखिरी एक वाक्य सुनाकर अपनी बात तो करूं कि देखे करंट सिचुएशन पर बात करें अभी दो महीना पहले इंटरनेशनल लेवल पर कतर फीफा वर्ल्ड कप हुआ अब हम लोग क्या समझते हैं ये तो एक खेल है सही मुसलमान वो है सही गाइडर वो है सही रहबर वो है सही स्कॉलर वो है कि खेल से भी अच्छा पहलू ले ले। कतर के इस इवेंट से हमें दो पैगाम मिलते हैं आज एक बंदा जो दुकान चलाता है पांच लोगों की या पचास लोगों की वो कहता है कि आज के दौर में इस्लामी निज़ाम के साथ में अपने पांच बंदों की दुकान नहीं चलाता हूं कतर का ये वर्ल्ड कप इस्लामी पैगाम ये देता है कि अरे भाई इतना बड़ा इंटरनेशनल इवेंट जब इस्लामी 20 मिनट दिए गए थे 12 मिनट हो गए इनशाला तीन चार मिनट में अपनी बात मुकम्मल करूंगा तो दूसरा पहला पैगाम यह है कि जब इतना बड़ा इवेंट इस्लामी निज़ाम के साथ चल सकता है तो तेरे पांच बंदों की दुकान इस्लामी निज़ाम के साथ क्यों नहीं चल सकती है बस उस दर्द की ज़रूरत है उस गैरत ईमानी की ज़रूरत है जो कतर ने कहा था अट्ठाईस दिन के लिए हम अपने ईमान को नहीं बेच सकते हैं चूंकि वक्त ज़्यादा हो रहा है इसलिए दूसरे सबक को मैं शॉर्ट कर रहा हूं और आखिरी बात एक ये भी अर्ज करना है अच्छे मुक्रर के लिए एक बात यह भी होनी चाहिए जैसे हमारे यहाँ मदरसों में हमारे यहाँ गुजरात के मदरसों में जुमेरात के दिन मूंग की दाल पकती है तो वो बच्चों को जल्दी हजम नहीं होती है, तो बच्चे उसके साथ अचार पापड़ भी खाते हैं थोड़ा टेस्ट यहाँ से ले लें तो माशाल्लाह एक डेढ़ घंटे का प्रोग्राम था बहुत अच्छा प्रोग्राम था अल्लाह नज़र बस से हिफाजत फरमाए बल्कि हम तो ये कहेंगे कि नज़र से बचने की जितनी मसनून दुआ है पूरा मजमा पढ़कर मुफ्ती अब्दुल हक साहब पर दम करके चले जाएँ इतना अच्छा प्रोग्राम रहा लेकिन तकरीर के दौरान बाज मरतबा मजमा बहुत ज्यादा थक जाता है मूंग की दाल खा खा कर तो बीच में अचार पापड़ भी पेश करते रहना चाहिए जैसे कि कन्नड़ में जो बयान हुआ उसमें वो उसके पेश करने की कोशिश की गई तो यह आजीज भी एक लतीफा पेश करके अपनी बात मुकम्मल करेगा लतीफा बरए लतीफा ना हो उसमें एक मोराल हो एक सबक हो एक इबरत हो सबक यह है कि जो कौम मस्जिद और मदरसे को पैसा देती है वो फख्र ना करे वो तकबर ना करे और एहसान न जताए लातुब तिलु सदम बिलमी वा अपने अताया को एहसान जताकर बातिल मत करो और इस ताल्लुक से हदीस पाक भी है एक दो मिनट में अपना लतीफा पेश करके अपनी जगह लूंगा लतीफा यह है कि हमारे बहुत सारे

आरियतन इस्तेमाल के लिए मिलेगा उसने कहा जरूर तू मेरा दोस्त है दोनों बाजू में बैठे थे दोनों शेरवानी सेम सेम पहनकर आए मजमा परेशान था कि दोनों में दुल्हा कौन है तो एक बंदा आकर पूछता है भाई दोनों में दुल्हा कौन है तो वो शेरवानी का मालिक अमीर दोस्त एहसान जताने के लिए बोलता है कि दुल्हा तो ये है लेकिन शेरवानी मेरी है वो नाराज हो गया तू मेरी इंसल्ट क्यों कर रहा है तुझसे शेरवानी का कहा पूछा है दुल्हे का पूछा है दूसरा बंदा आया भाई तुम दोनों में दुल्हा कौन है तो कहा दुल्हा तो ये है लेकिन शेरवानी मेरी नहीं है फिर शेरवानी बोला तुझे शेरवानी का थोड़ी पूछा गया है फिर तीसरा बंदा आया तुम दोनों में कौन है कहा दुल्हा ये है लेकिन शेरवानी न इसकी है और न मेरी है फिर शेरवानी बोला फिर चौथा बंदा आया तुम दोनों में दुल्हा कौन है तो कहा दुल्हा तो ये है लेकिन अब शेरवानी के बारे में मैं चुप रहूंगा कुछ नहीं बोलूंगा ये एक पैगाम है ये एक लतीफा है कि जिसकी फितरत में एहसान जताना होता है तो वो वाया वाया घुमाकर बोल ही देता है अल्लाह अल्लाहल इस बुराई से हम सबकी हिफाजत फरमाए हमारी माओ बहनों को हमारे बच्चों को मुस्तबिल का इमाम बनाए कौम और उम्मत का रहबर बनाए इंसानियत के लिए नेक काम करने वाला बनाए हमें हर धर्म के लोगों को सही पैगाम मुस्बत पैगाम इंसानियत का पैगाम इस्लाम का पैगाम देने की ज़रूरत है इन्हीं चंद मारूजा पर यह आजीज अपनी बात मुकम्मल करता है और दिल की अताह गहराइयों से हमारे मेज़बान मुक़र्रम मुफ्ती अब्दुल हक साहब नदवी और उनकी पूरी टीम को इस खूबसूरत हसीन से प्रोग्राम के लिए दिल की गहराइयों से ढेर सारी मुबारकबादी पेश करता है आमीन या रब आलमीन व आखिर अनिलहमदिल्ला रब्बिल आलमीन